दुमका के गांधी मैदान में झामुमो का 43वां झारखंड दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने पार्टी का झंडा उत्तोलन कर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार की गलतियों को सुधारने में सरकार को 2 साल लग गए। आज हम कोरोना संक्रमण के कारण वृहद पैमाने पर झारखंड दिवस नहीं मना रहे हैं, जिस कारण इस बार का झारखंड दिवस दिन में ही मनाया जाएगा। झारखंड में गठबंधन सरकार ने जब राज्य में सत्ता संभाली थी उस समय खाली खजाना हमें मिला था। उसके बाद देश कोरोना संक्रमण के दौर से गुजरने लगा। हमारी सरकार ने दोहरी मार झेलते हुए राज्य को एक ओर जहां कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाई, वहीं राज्य में विकास कार्य भी प्रारंभ किया। सरकार धीरे धीरे राज्य को पटरी पर ला रही है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बीते 20 सालों से डबल इंजन की सरकार के गलत नीति के कारण राज्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखें, सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी। इस वर्ष को नियुक्त वर्ष के रूप में सरकार देख रही है, व्यापक पैमाने पर रिक्तियों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष की जरूरत है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि अभी देश में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसलिए हम लोग झारखंड दिवस जिला स्तर पर आयोजित कर रहे हैं, जिस कारण लोगों की उपस्थिति कम है, यह सरकार के लिए अच्छा है। अंत में उन्होंने कहा कि संघर्ष कर हमने राज्य प्राप्त किया है, संघर्ष कर ही हम अपना हक लेंगे और झारखंड को विकसित राज्य बनाएंगे। झारखंड दिवस पर शिकारी पाड़क विधायक नलीन सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन, दुमका विधायक वसंत सोरेन सहित मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे सहित काफी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुमका विधायक वसंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा तो दे दिया गया है, परंतु अब तक उपराजधानी का ढांचा तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दुमका में मिनी सचिवालय एवं हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग की है। वहीं जामा विधायक सीता सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं, सरकार बेरोजगारी पर ध्यान दे और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। हालांकि आज सभा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि आज जो आप सुन रहे हैं चारों तरफ बीमारी फैला हुआ है, फैल रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं बेसी हो रहा है, लेकिन बीमारी से लोग त्रस्त हैं। खैर, जो भी हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं और जो भी होगा भगवान ही करेंगे। बीमारी भी उन्हीं का दिया हुआ है, अब बीमारी खत्म करने का भी उन्हीं का हक है। खैर, आज लोग कम हैं, ठीक है, मान नहीं है कि हम कम हुए हैं। हम लोग ऐसे जिला वाइज कर दिया इसको, इसे भी लोग कभी कमी आए हैं और लोगों को इस बीमारी का भी समाचार मिला है कि आज मीटिंग करना है या नहीं करना है। इस दुविधा में लोग रह गए हैं, फिर भी आए हैं और सकुशल चले जाएंगे। हम चाहते हैं किसी को इस बीमारी का असर नहीं करेगा। भाइयों, झारखंड प्रदेश में हम लोग आज इस प्रकार का मीटिंग 43 बार कर रहे हैं, 43वां है, 40 और 43। मैं जो बच्चे थे जवान हो गए हैं, अधेड़ हो गए हैं,
अब जो अजेड थे वो बूढ़े हो गए हैं, हम लोग को मरने वाले हैं, हम लोग तो बूढ़ा है ना जवान है, लेकिन मीटिंग में शामिल होकर के ही जो कुछ होगा होगा, लेकिन जब जब ये दुख फरवरी होगा, 4 फरवरी आएगा, हम लोग पहुँच जाएंगे ताकि अगला पीढ़ी को ये याद रहे ये 4 फरवरी क्यों मनाया जाता था, 2 फरवरी क्यों मनाया जाता था। आज हम लोग किसी के प्रताप से आज अलग राज्य में हैं, जब बिहार के साथ थे तब हम लोग उनको भी देखा जाए, जो जगह देना मिलना चाहिए वो आने वाले दिन में मिले, इस पर भी आप विचार करें। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ, सबको जोहार है, जय हिंद जय झारखंड। वफादार है, बड़े बड़े अखबार चलाने वाले, टीवी चलाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर में घूमते हुए आपको नजर दिखेंगे उनके मालिक, तो गुणगान भी वैसा ही होता है। लेकिन आप पत्रकार भाइयों के लिए भी, पिछला सरकार में भी हम ही ने आपको अधिकार दिया, इस बार भी सरकार में आने के बाद आपके बारे में हमने चिंताएं की। 5 साल में क्या किया, 5 साल में जिस तरीके से आपने उस गुरु सरकार को गुणगान किया है, आज जो सरकार का हश्र देखिए। यही हाल अभी यूपी में होने जा रहा है, चिंता मत कीजिए। अभी यूपी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नाक से पानी पी रही है, आने वाला पूरा डुबकी लगा जाएगा, बता देते हैं। गलत फहमी मत रहिएगा, अगर किसी को इस बात का यह है कि हम बड़ा बड़ा अखबार में फोटो छपवा लेंगे, देश में राज करेंगे, दुनिया में राज करेंगे, थोड़ा देर हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आज इसके लिए मैं किसी से यह नहीं कहता कि आप हमको थपथपाइए, आप हमको धन्यवाद दीजिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कस लोग हैं, और 5 साल और बचा हुआ समय जितना दिन रहे हैं, हर दिन मैं इस चिंतन पर रहता हूं कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस 2 फरवरी का ये दिन हमारे लिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब जरूरतमंदों वंचितों को मिला उनका हक, जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है, ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है, तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है,
जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.